क्या हुआ भाई? वेला बैठे व्लॉग बना रहे? कितना कंटेंट है दिखा बना दे। देते हैं, नाइस आइडिया। चल चैनल, दिस इज मी सैम ग्रोवर योर होस्ट। और सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपको इंट्रो कैसे लगा। मैंने इंट्रो ट्राई किया था मास्किंग से, ये मास्किंग नाम की टेक्निक होती है फिल्मों का एक्स के अंदर, और ये मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो इस बार डाल देते हैं। अब आज का जो वीडियो का टाइटल है वो आपको पता चल गया, हम दिखाएंगे आपको हॉस्टल के रूम्स, टॉयलेट एंड मेस। टॉयलेट दिखा दूंगा। सबसे पहले तो भाई आपने छोटी मोटी झलक तो ले ली ऑल अराउंड, लेकिन ऐसी छोटी मोटी झलक से मजा नहीं आता ना। तो भाई इससे पहले कि रात हो जाए तो सबसे पहले छोटा सा ओवरलुक देता हूँ मैं आपको पूरे रूम का। तो भाई यहाँ पे ये गेट है, ये अलमीराज, ठीक है, ऊपर मतलब सेक्शन वेक्शन जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। यहाँ पे थोड़े से कपड़े वपड़े, बैग वैग जो कल डाले थे, या फिर मतलब छोटे मोटे कपड़े बैग ऐसे। ये थोड़ा सा पोर्शन रख रखे कि यहाँ भाई जो मैले कपड़े हैं, ये अपनी स्लीपर्स, और जैसे मेरे डेस्क, ये नीचे डस्टबिन का सेक्शन बनाए रखे हैं, ठीक है, ऊपर पानी वानी की बोतल है। हाँ भाई इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। ये अपना प्यारा दुलारा लैपटॉप, इसकी हालत ख़राब कर रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी चेयर मिलती है। जैसे लास्ट वीडियो में कहा था कि हमारी चेयर ऐसी नहीं, हमारी ऐसी चेयर है। और ये कर्टन्स और ये बाहर का बहुत सही व्यू, सारे पैसे इसी के हैं भाई, इतना सही व्यू है, खिड़की भी खोल कर दिखाऊंगा, ठीक है। ये ट्यूबलाइट और ये हमारा बेड जो मतलब कि ठीक है, जुगाड़ लगा रखा है हमने और सामान यहाँ पे भी पड़ा है लेकिन छुपा रखा है वो। और जहाँ तक बात आती है कि यहाँ पे सुबह घूरता किसमें, शीशे में, ये शीशा लगा हुआ है यहाँ पर। और जहाँ तक बात आती है इसकी, चाबी चाबी ढूंढनी पड़ेगी यार। चाबी से मेरे को याद आया, इस चाबी के साथ इतना गलत काम हुआ हुआ है ना, हमारे जो लोग हैं, तरीके के लोग हैं कि हाँ भाई जो क्लिक वाले लोग हैं जिसमें चाबी नहीं लगती। और जो मेरे हॉस्टल के फ्रेंड्स हैं उन्हें पता है कि हाँ भाई मैं अपनी चाबी रूम के अंदर लॉक करके 2 बार भूल चुका हूँ। दोनों बार ऑफ कोर्स ताला टूटा और उसके बाद चाबी मिली है, तो अब इस चाबी को मैं ध्यान से रखता हूँ शायद। मेरे इस वाले सीन के लिए ना मेरी मम्मी सबसे ज्यादा एक्साइटेड होगी, उन्हें देखना है मेरा वॉर्डरोब। यहाँ पे थोड़ी बहुत जैकेट्स लटकी हुई हैं एक जो डालनी पड़ जाती है कभी कभी। ये थोड़ा सा सामान है, यहाँ पे सारा खाने पीने का सामान, थोड़े ग्लास व्लूस, यहाँ थोड़ी बुक्स रखी हुई हैं जो कभी नहीं निकलती या बहुत कम निकलती हैं, और थोड़ा विम, थोड़े बर्तन धोने का सामान और नहाने का। नीचे आ गए हमारे कपड़े, बेडशीट और ये है, और नीचे ये सब कुछ ये पड़ा है जिसमें सामान आया, उसमें खाने का सामान आया, मतलब इस डे वालों ने यही दिया था। इसका लॉकिंग का सामान ऐसे है, ये ऐसे लॉक होता है। और जहां तक बात आती है रूम को साफ रखने की, आज सुबह सुबह सफाई वाला साफ करके गया था, दिखा देता हूँ कितना साफ रखे। कुछ लोग फ्लोर को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, देख लो भाई कैसे किया ये साफ, मतलब साफ भी ठीक ठाक ही करते हैं और हम भी उसको साफ ठीक ठाक ही रखते हैं, तो ठीक है चलते। इतना तो हॉस्टल रूम है, हॉस्टल लाइफ। चलते रूम के बाहर, हॉस्टल के कुछ सीन्स दिखाता हूँ आपको। तो भाई बाहर से हमारा हॉस्टल कुछ इस तरीके का दिखता है, और मेरा रूम वहाँ कॉर्नर पे है, ठीक है। और अगर हम अंदर की साइड जाते तो ये इंटीरियर ऐसा है हमारा, यहाँ पे कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं और ये ऊपर का एरिया। और यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, और ये आगे हमारा सैनिटाइजर, ये हॉस्टल के बाहर भी रहता है और कॉलेजेस के बाहर भी रहता है ऐसे। सामने हमारी टीवी रूम, ये लेफ्ट वाला जगह और ये राइट वाली जगह। और चलते हैं अब हमारे कमरे की तरफ, ये है हमारा कमरा, मेरा कमरा है रूम नंबर 5, और आ गए हम अपने कमरे के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं हॉस्टल नंबर 2 के अंदर रहता हूँ। और अरे यार टीवी रूम दिखाना भूल गया, टीवी रूम देखने चलते। सो जो हमारे हॉस्टल का टीवी रूम है वो एक ऐसा टीवी रूम है जहाँ पर टीवी ही नहीं लगा हुआ, चेयर्स हैं लेकिन टीवी नहीं लगा हुआ। तो
तो भाई कुछ ऐसा सा है हमारा टीवी रूम और बाहर से कुछ ऐसा सा दिखता है हमारा हॉस्टल। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे बॉयज टॉयलेट दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। तो फिर भी आपको बता देता हूँ, अगर आप बॉयज टॉयलेट देखना चाहते हो तो ठीक है, वरना यहाँ पे आपको ना एक नीचे लाइन सी बनी आ रही होगी, अगर आप एक बार टैप करोगे स्क्रीन के ऊपर तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हो। वो एक चैप्टर्स छोटे छोटे बना रखे मैंने, थैंक्स फॉर एन इंस्टेंस। जिक्स से पूछते हैं कि फैमिली जिक्स बता, टॉयलेट दिखाना चाहिए ब्लॉग के अंदर या नहीं? भाई तू टॉयलेट दिखाया, पागल तो नहीं हो रहा है? चल चल चुप चुप। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर आपको नहीं देखना तो स्किप कर सकते हो। तो भाई ऐसे तो कुछ दिखता है हमारे टॉयलेट्स, मतलब ये श्रिंक आ गई हैं। यहाँ पे हमारे टोटल 5 या 6 टॉयलेट्स हैं, और वहाँ पे शावर्स अगर हम बात करते हैं, शावर हमारे यहाँ पे 5 हैं, जिसमें से एक में गर्म पानी आता है और बाकी में सब ठंडा पानी आता है। मैं जल्दी से पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हाँ भाई हमारा हॉस्टल दिखता कैसे है। देखो ये हमारा है मेन गेट कॉलेज का, यहाँ पे हमारा कॉलेज, ठीक है, और यहाँ से ये रास्ता जाता है कॉलेज को, ये रास्ता जाता है सीधा गर्ल्स हॉस्टल को, ठीक है, मतलब ये यहाँ से एक गली जाती है। तो यहाँ पे जो 2-4 और बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्लेग्राउंड विलेग्राउंड, मतलब ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग गंदी बनती है, इतनी ड्राइंग नहीं आती हमें। और यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है, यहाँ पे हमारी मेस है, यहाँ पे बॉयज हॉस्टल बनना है, और थोड़ा पीछे दूर से जाके हॉस्टल 2 है, ठीक है, ये ऐसा सा सिस्टम है यहाँ का। हाँ मतलब ठीक है, ड्राइंग थोड़ी गंदी बनती है। अब मैं आपको हॉस्टल 2 का इंटीरियर दिखाता हूँ। हॉस्टल 2 का मान के चलिए एंट्री गेट है, ठीक है, यहाँ से ये और ये ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे ये आ गए टीवी रूम, यहाँ से ये आ गए सीढ़ियाँ, यहाँ पे रूम्स होते हैं, यहाँ पे रूम, यहाँ पे रूम्स, और यहाँ पे होता है मान के चलो इस सेक्शन का टॉयलेट, ठीक है, और यहाँ पर कुछ रूम्स, और यहाँ पे इस सेक्शन का टॉयलेट, और यहाँ पे भी रूम्स 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 रूम्स, ये सारे रूम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे टीवी रूम, यहाँ पे थोड़ी बहुत चेयर्स पड़ी होती है, यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ जा रही होती है, तो मैंने बता ही दिया। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा। मुझे पता है कि हाँ भाई ड्रॉइंग्स के अंदर कुछ समझ नहीं आएगा, जब तक तो कुछ दिखाऊंगा नहीं तब तक तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, कॉलेज के व्लॉग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पहले हॉस्टल मैच देख लो फिर कॉलेज पक्का दिखाऊंगा। तो भाई धूप काफी सही पड़ रही है, तो एक बार गेट खोल के आपको दिखाना तो बनता ही है कि हाँ भाई व्यू कैसा आता है यहाँ का। Like you, be strong, to hold the powers of the sun. वो बात जो डिस्कस करने वाली है वो है अबाउट माय 2021 गोल्स। जैसे आपको पता है कि न्यू ईयर आ चुका है, न्यू ईयर के अंदर हम कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं और कुछ गोल्स बनाते हैं। भैया आपको ये वाली ट्वीट देख के पता चल गया होगा कि हाँ भाई मेरे क्या क्या गोल्स हैं, ये कुछ हमारे गोल्स हैं। पूछते हो कि भाई तुम लोग सोते कैसे हो? यहाँ पे ऐसे गद्दे वद्दे बिछा के सो जाते हैं हम, और बस यही था, ऐसे सोते हैं हम। मैस दिखाने चलते हैं, बहुत देर से लटका रहा हूँ मैं वो मैस के लिए, देखने चलते हैं अभी मैस। तो अभी हम खड़े हैं बॉयज हॉस्टल 1 के बाहर, और ये सामने मैस है, और ये सामने जो मैस वाली बिल्डिंग है जैसे मैंने आपको बताया था ड्रॉइंग के अंदर, तो अगर हम एंटर करते हैं मेस वाले रूम की तरफ, तो पहले जो आता होता है वो है हमारा जिम रूम, जहाँ पे काफ़ी सारे जिम का सामान पड़ा है, साइड में एक गार्डन भी है जहाँ पे ये डॉग्स रहते हैं। और इफ़ वी एंटर द मेस रूम तो कुछ इस तरीके से दिखती है हमारा मेस, और यहाँ पर जैसे हम बैठ के खाना वाना खा लेते हैं कुछ इस तरीके की दिखती है ये। और अगर मैं आपको दिखाऊँ कि हॉस्टल 1 है, वो पीछे हॉस्टल 2 है, और ये सामने मतलब कॉलेज जाने का रास्ता है, गार्डन से अगर होकर जाना, और छोटी मोटी पार्किंग है यहाँ पर। तो भाई अब हम डिस्कस करते हैं आज की ज्ञान के बारे में। तो आज का ज्ञान पहली बार सुन रहे होंगे आप, लेकिन हाँ ठीक है, हमने नहीं सीखा। देखो मेन बात ये रहती है कि जब भी आप पोस्टल आओ तो खाना खाने का सामान लेकर आओ,
वो सब लेकर आते हैं लेकिन थोड़ा ज्यादा लेकर आते क्योंकि मेस वेस का पता नहीं होता कि हमें मेस का टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर मतलब मान के चलो आप रूम्स देखने आ रहे हो, हॉस्टल के अंदर रहने आ रहे हो, तो ये ध्यान जरूर रखना कि हॉस्टल के अंदर एक मास्टर रूम होता है जो हमेशा वो पेरेंट्स को दिखाते हैं। तो डू चेक आउट ऑल अदर रूम्स की भाई हमेशा ना मास्टर रूम थोड़ा ज्यादा सुंदर होता है, ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू ऑल अदर रूम्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हाँ भाई और दूसरे रूम्स भी देख लिया। तो भाई व्लॉग के अंदर बहुत बातें हो गई, यहीं पे करते हैं हमारा व्लॉग आज का एंड। डू चेक आउट सम मोर व्लॉग्स, आखिरी में रिकमेंडेशन डाल दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, सब आईडी वाईडी सब डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके चेक करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्यों बात हो। तो हैव अ नाइस डे।